मानव समाचार मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ रोज़ों से मालेगांव शहर में एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बुनकर मेयर को लेके। इसी मौजू पे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खालिद परवेज़। आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या असल मुद्दा है, बुनकर मेयर का मौजू किस सेंस में छेड़ा गया है मालेगांव के लिए, आने वाले कॉरपोरेशन को मेन मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर कोई और मामला शहर में चल रहा है। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम ये चीज़ देख रहे हैं और ये नोट कर रहे हैं, काफ़ी चैनल्स के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि मालेगांव शहर में अगला मेयर बुनकर बिरादरी से होना चाहिए, तो ये क्या बिरादरीवाद की तरफ मालेगांव को वापस जोड़ा जा रहा है इस मुद्दे से या कोई और मकसद इसके पीछे छुपा हुआ है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेयर जो होता है ये बहुत जलीलुल्कद्र होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में बोलो, असेंबली में बोलो, जिस तरीके के स्पीकर का अहदा होता है वैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर का अहदा होता है। ये अहदे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखेंगे, संवैधानिक अगर देखेंगे, तो ये संवैधानिक पद है, ये कोई पक्ष का पद नहीं रहता, ये गैर जानबदार अहदा रहता है। इसलिए ये अहदे के अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास है और गरिमा है। इसलिए इस अहदे के ताल्लुक से इस तरीके की बातें करना ही मैं समझता हूँ कि ये एक नादानी और बेवकूफ़ी की बात है। मेयर, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, मेयर बुनकर बने, मनियार बने, कोई भी बने, लेकिन मेयर जो बनना चाहिए उसकी काबिलियत की बुनियाद पर बनना चाहिए, शहर के मसाइल को हल करने की उसमें जो है सलाहियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं और साथ ही साथ शहर के जो तामीराती मसाइल हैं और उसके अलावा शहर के जो हाइजीन हैं और शहर के जो सेहत आम्मा है, ये तमाम को बहुसन खूबी को जो शख्स इसको हल कर ले या इसको एक अच्छे सिस्टम में ढाल ले, ऐसे शख्स को मेयर होना चाहिए, ना कि ये बुनकर, मनियार, शेख, कुरैशी इस बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते। हम सामाजिक तौर से भी नहीं कर सकते, मजहबी तौर से भी नहीं कर सकते और ऐसा देखा जाए तो अखलाकी तौर से भी नहीं कर सकते। ये शहर सबका शहर है, ये गाँव सबका गाँव है, यहाँ पर बसने वाले हर समाज हर बिरादरी का ये शहर है और हमको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की इजाज़त दिया है कि हिंदुस्तान के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर हर कोई जाकर बैठ सकता है, रह सकता है। इसलिए हम इसको ये सब बातें अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करते हैं, गैर वाजिब भी करते हैं, गैर संवैधानिक है। आज ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए कि मेयर किस बिरादरी या किस समाज का। और रही दूसरी बात, जैसे आपके सवाल में ये बात थी कि ये इसे कहीं पॉलिटिकली तो नहीं इसको पॉलिटिकली किया गया है या राइज किया गया है, तो मैं इस यही बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है, ये आज की मौजूदा कांग्रेस पार्टी के जो साबिक मेयर है और अभी अभी हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब है, इन लोगों की जानिब से हमारे कुछ लोगों का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को हवा दी गई शहर के राजकारण को एक अलग दिशा देने के लिए, जो आज इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कच्चे वार्डों में, मुजाफाती इलाकों में, इलेक्शन को जो है असबियत की जानिब लेकर जाया जा रहा है, फिरका वारियत की जानिब लेकर जाया जा रहा है, बिरादरी की जानिब लेकर जा रहा है, जो कि ना सिर्फ शहर के लिए ही नुकसानदेह है, बाकी मैं समझता हूँ कि पूरी जो है कौम, मिल्लत, बिरादरी और इंसानियत के लिए ये नुकसानदेह है। इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के अमल सियासत में बिल्कुल नाकाबिले कबूल और मज़मूम। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं हमें कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर मालेगांव शहर का दूसरा पहलू अगर देखा जाए, मालेगांव शहर में पावर लूम इंडस्ट्री इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे चल रही है और मालेगांव शहर के अगर आम नागरिक की अगर बात की जाए तो उसका डिपेंड ही पावर लूम पे है, तो ये सेंस में अगर देखा जाए कि अगर पावर लूम से जुड़ा हुआ आदमी जिसको पावर लूम की सूझ रहे, जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा साइजिंग का मामला चला है, इंडस्ट्री का मामला चल रहा है, कॉरपोरेशन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, तो कहीं ये उसके मौजू पर तो नहीं बोला गया है?
देखिए एनजीटी का जो मामला था उसमें कई जो है अलग अलग जो है महकमा जो है जिम्मेदार थे, उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, एमएससीबी था और कॉरपोरेशन थी। वाहिद कॉरपोरेशन का ये मसला नहीं था, कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो जो चीज आती थी उसके लिए कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया गया। पॉल्यूशन के ज्यूरिडिक्शन में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में जो जो बातें आती थी वो वहां पर एमएससीबी को जिम्मेदार ठहराया गया। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यानी मातहत जो जो काम आते थे एनजीटी की जानिब से उनके यानी जिम्मेदार ठहराया गया है। तो कॉरपोरेशन ये जो है ये टीम वर्क था, ये कई मुहकमात पर मुश्तमल मसाइल का ये मजमुआ था। तो सिर्फ इसमें हम कॉरपोरेशन को दोष नहीं दे सकते, कॉरपोरेशन की जो जो जिम्मेदारियां हैं आज से पहले भी कॉरपोरेशन उन बातों को हल करते आई है और कर रही है। अभी साइजिंग के लिए जो मामला उठे, एक जो वो आया था जोन के जो ताल्लुक से आया था, ये जो जोन साइजिंग में एक बनाना था वो जोन के ताल्लुक से नए डीपी प्लान में उसका उल्लेख होना चाहिए। जब महासभा हुई थी वहाँ पर हर कॉरपोरेटर हर पार्टी के जो जिम्मेदार थे उन्होंने उस बात की थी कि कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग जोन, जो दो जोन है कंफर्मिंग जोन जो साइजिंग के लिए सुटेबल जोन है उसको नए डीपी प्लान में उस चीज को शामिल करना चाहिए और उसको उसके तहत साइजिंग मालिकान को है जो रियायत दी जानी चाहिए। इस तरीके की बातें महासभा में आई थी। तो हर जो लोग बुनकर शोबे से जुड़े थे उन लोगों ने भी और जो लोग जिस बारे में जिनको कम इल्म था उन लोगों ने भी इस तरीके की हिमायत की। तो बहुत ज्यादा मामला जो है ऐसे नहीं है कि किसी समाज बिरादरी के व्यवसाय से धंधे से वहां पर कोई बातें जुड़ी रहती, शहर के पूरे मसाइल कॉर्पोरेशन में आते हैं। और हम अक्सर एक चीज़ देखने में आती है कि मालेगांव शहर को जिस तरीके से दो हिस्से में बांटा गया है, नदी के उस पार और नदी के इस पार, तो डेवलपमेंट काम में कहीं ना कहीं नदी के इस पार कमी नजर आती है, तो इसमें कॉरपोरेटर हजरात कहाँ तक शामिल है? देखिए सबसे बड़ी बात तो जिम्मेदारी की बात है। बहुत सारी बातें जो नदी के उस पार के कॉरपोरेटर्स हैं वो बेदार कॉरपोरेटर्स होते हैं, वो किसी भेड़ छाल की नज़र नहीं होते। ठीक है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से चुन कर आते हैं लेकिन अपने लीडरशिप के मातहत कॉरपोरेशन में काम नहीं करते, वो अपने वार्ड के जिम्मेदार की हैसियत से काम करते हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन में नदी के इस पार के कॉरपोरेटर्स का देखा गया है कि वो अपनी लीडरशिप के मातहत काम करते, उन्हें जो मसाइल है जो जनरल बोर्ड के उनवानात है और कॉरपोरेशन के जरिए होने वाले कामकाज का इल्म नहीं होता बहुत सारी बातों का कि ये किस दिशा में ये कामकाज जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। बस एक लीडरशिप के फरमान के बाद पूरे पूरे काम वहां पर भी अकली घोड़े अपने दौड़ाते नहीं, बिल्कुल बस सिर्फ लीडरशिप के फरमान के मुताबिक वो काम शुरू हो जाता है। जब वो काम का इंप्लीमेंट होता है उसके बाद हम जागते हैं इधर के कॉरपोरेटर के अरे ये कब हुआ, तो फिर वो जो है प्रशासन हमको हमारा ही ठहराव बताता है कि देखो ये तो आप लोगों ने मंजूर करके दिया। तो यहाँ बेदारी की बात है, तादीन की बात है, समझ की बात है। नदी के उस पार के मोस्टली जो कॉरपोरेटर्स है वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, तालीम याफ्ता है, बजट जब पेश होता है तो उनका पूरा ध्यान रहता है कि बजट आए में क्या चीज का उनको अमेंडमेंट कराना है, क्या चीज की तरतूद कराना है, क्या चीज का प्रोविजन कराना है, ये सब चीजों को लेकर उनकी लीडरशिप के साथ बैठकर वो पहले से प्लानिंग कर वो काम करते। वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उनको जरूरी है उसको वो प्रायोरिटी देते हैं, अवलियत देते हैं और करते हैं। तो ये बात हमारे कॉरपोरेटर्स को भी इस चीज़ को समझना होगा, आवाम को समझना होगा कि इस मरतबा ऐसे लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजे जो आपके मसाइल को समझ सके और उसे बखूबी हल कर सके। डॉक्टर साहब, आज मालेगांव शहर में एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि साबिक आमदार शेख आसिफ साहब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस मौजू पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये तो हमारा इशू ही नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करना ये उनका अपना जाती मामला है, ये उनका जहाँ दिल जहाँ तबीयत लगे वहाँ जा सकते हैं, इस बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये ढकोसला किया गया है, जो प्री प्लान किया गया है, ये शहर को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया, ये पूरा मैनिपुलेटेड था, ये पूरा प्री प्लान था।
क्या करना है, कैसे जाना है। आज मुल्क में कांग्रेस पार्टी की हालत अबतर हो चुकी है, गैर हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी गैर मुस्तहकम हो चुकी है पूरे मुल्क में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ा करती थी और दौरान इलेक्शन अपनी पार्टी की मदद किया करती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी जो है उतनी मजबूती के साथ फिनेंशियली इलेक्शन लड़ाने के लिए अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती। जैसे हुरकाम में जो पार्टी फंड दिया जाता था, वो पार्टी फंड वो वगैरह नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस एक रनिंग पार्टी है, सत्ता में है और आगे उनको लड़ना है। सियासत जो है वो पेशा वाराना सियासत है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। तो वो मामला सब देखते हुए, तोलते हुए, तोल मोल करते हुए कि आने वाले वक्तों में कौन पार्टी फंड देगा और कौन इनको ताकत, मुहकमात की ताकत मिलेगी, ये सब चीज़ का कैलकुलेशन करके ये सब फैसला किया गया। शहर की आवाम के हित में, फायदे में, कामकाज से इसका कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। ये बाकायदा डील है, ये बाकायदा एक सौदेबाजी है आने वाले वक्तों में। और कांग्रेस को उसके बुरे वक्त में छोड़ना ये उनकी पुरानी रिवायत रही है। ये बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते, बहुत ज़्यादा ईमानदार बनते, लेकिन इनकी आप तारीख और इनको माजी में जाकर देखेंगे तो जब कांग्रेस का बुरे हालात थे, बुरे वक्त थे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर ही भागा। 1995 का इलेक्शन इनके वालिद ने जन जागरण समिति बनाकर लड़े थे। उस वक्त कांग्रेस की हालत, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है मुसलमानों में अपनी साख कांग्रेस खो रही थी। उस वक्त इन्होंने धोखा देकर मेरे वालिद को उस वक्त के सदारत बल्दिया से हटाकर खुद सदर बल्दिया बने, जनता दल के साथ गए, शिवसेना को साथ में लिया, मेरे वालिद को कांग्रेस के जो सदर बल्दिया थे उनको हटाया गया, मेरे वालिद को असेंबली का टिकट मिला कांग्रेस की जानिब से, शेख रशीद वहाँ पर जन जागरण समिति बनाकर आजाद लड़े और उन्होंने वहां पर इलेक्शन लड़के कांग्रेस को धोखा दिया। अब ऐसा था कि देखो जो है पार्टियों का विभाजन होता है तो जो नजरियात की लीडरशिप को मानी जाती है कुछ लोग उनके साथ चले जाते हैं। जनता दल का मामला था, जैसे आज का जनता दल जमाने में वो सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन वहां वो पार्टी में विभाजन होते होते, फूट होते होते इतनी आ गई कि आज वो जनता दल सेक्युलर हो गई। तो ऐसे ही उस वक्त कांग्रेस का मामला हुआ था। कांग्रेस में शरद पवार अलग हो गए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाए थे, मेरे वालिद उनके उस वक्त शरद पवार के हामी कहलाते थे, तो वो शरद पवार के साथ नेशनलिस्ट पार्टी में चले गए। ये हमारी बुनियादी वजह थी कांग्रेस छोड़ने की। और उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी छोड़ने की जो हमारी वजह बनी कि 2002 के फसादात हुए, छगन भुजबल उस वक्त यहाँ के हमारे राबता मंत्री थे, वो आए थे, हमने उनसे फसादात की शिकायत की कि पुलिस गोलियाँ चला रही है, तो उन्होंने जुमला कहा कि पुलिस की गोलियों को आँख नहीं होती जी, ये तारीखी जुमला है। तो ये सब बातें थी, ये उस वक्त दिल आजारी की बातें थी, ये वजह बनी हमें पार्टी छोड़ने की। हमने समाजवादी ज्वाइन किया, समाजवादी में 5 साल हम मुस्तकिल रहे, मेंबर बनकर उसके साथ रहे। उसके बाद जो है हमारी सियासत का दौर चेंज हुआ, अब्दुल मालिक की सियासत में एंट्री हुई, उसको अपनी एक सियासी जमात मुंतखब करना थी। उस वक्त जनता दल एक मौजू पार्टी लगी, हम जनता दल के साथ गए और वहाँ से ये हमारा राजकारण का सिलसिला शुरू हुआ। हालात के एतबार से, नज़रियाती एतबार से हमको सियासत में इधर उधर होना पड़ा, लेकिन हमने मुफाद परस्ती के लिए कभी हम इधर नहीं। हमने ये भी सुना है यहाँ पे कि शेख आसिफ जो अपना डिसीजन है शायद MIM पक्ष में जाके बैठेंगे, तो ये बात थोड़ा मामलात को क्लियर कर दिया जाए तो, क्योंकि आप भी MIM से ताल्लुक रखते हो। देखो ये नज़रियात की पार्टी है, सियासत होती है, ये तहरीक होती है, ये नज़रियात को कबूल करने की बात होती है। हम किसी कोई अगर हमारी पार्टी की विचारधारा को, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को, हमारे नज़रियात को कबूल करता है तो हम उसको वेलकम कहते हैं, क्योंकि आज हमारे नज़रियात पूरे मुल्क में मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना है, मुसलमानों को पॉलिटिकली मजबूत करना है, ये हमारा नज़रिया है। और इस नज़रिए को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनको हमारी पार्टी में वेलकम कहते हैं, कोई बात नहीं है। असद साहब का बोलना ही है
कि जब तक आप लोग अपने यानी सियासी ताकत आप लोग हासिल नहीं करेंगे तब तक आप अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते। यही पार्टी की सेंट्रल आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को अगर शेख आसिफ कबूल करते हैं, एक्स वाई जेड कबूल करते हैं, तो हमारी पार्टी में वेलकम है। अभी जैसे कि अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी का दावा करती है और MIM जो है पूरे अपने नेशनल लेवल पे अपनी एक शनाख्त बना चुकी है सेकुलरिज्म को लेके, तो इस वक्त में शेख आसिफ का कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना, ये आप मुनासिब समझते हो या नहीं? देखिए, ये तो सब फालतू बातें हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाली पार्टियां हैं। ये सेकुलरिज्म का कभी तहफ़ नहीं कर सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन दास्तूर का कभी तहफ़ नहीं कर सकती। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरे मुल्क में अगर देख रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़ की लड़ाई और हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की लड़ाई अगर कोई कर रहा है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन है। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन ने आज गुजरात में जो है छोटू भाई वसावा की BPT पार्टी से आज वो किया है, और हमने UP में जो है चंद्रशेखर की पार्टी से अलायंस किया है, माजी में हमने वंचित से अलायंस किया था, और अभी हम उपेंद्र कुशवाहा से जो है बिहार में अलायंस किए है। तो हम आज सेकुलर है, तो ये जो दीगर पार्टियों के लोग जो छोटी छोटी पार्टियां जो आज वंचित जमात जिसको हम बोल सकते हैं, जो लोग आज अपने हुकूक से महरूम होते जा रहे हैं, ऐसी समाज के मानने वाली पार्टियां आज असद साहब से मिल रही है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के साथ जो है इत्तेहाद कर रही है और मुल्क में एक अलग फ्रंट बना रही है। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म का दफा कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन का, दस्तूर का दफा कर सकती। बाकी पार्टियां मुर्दार हो चुकी है, मुफाद परस्त हो चुकी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब।